भैया दूज की कहानी। एक बहन के साथ भाई थे, वह उन्हें बहुत प्यारी थी। उसका पति अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, जिसके होने पर की गई मनोतियों को पूरा ना करने से देवता अप्रसन्न थे। क्रुद्ध होकर देवताओं ने पुत्र तथा पुत्र वधु को मार डालने का निर्णय किया। उस बहन को किसी तरह इसका पता चल गया। उसने भावी जीवन में आने वाले दुखों की कल्पना करके उपचार के तरीके सोचकर अपने भाइयों से ससुराल जाने की जिद की। यद्यपि वे बिना बुलाए नहीं भेजना चाहते थे, पर बहन के ना मानने पर डोली सजाकर भेज दी। उसने अपने पास दूध, मांस तथा ओढ़नी रख दी। थोड़ी दूर जाने पर देवताओं के प्रकोप से डोली का रास्ता सांप ने रोक लिया। बहन तुरंत दूध सांप के सामने रख कर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर और आगे जाने पर उस पर शेर झपटा तो उसने मांस फेंक दिया। शेर मांस में रुचि लेने लगा और कहा, डोली लेकर आगे बढ़ गए। रास्ते में यमुना जी थी। ज्यों ही कहा डोली को यमुना से पार ले जाने लगे, यमुना जी ऊंची नैना उठाकर डोली को आत्मसात करने लगी। बहन ने ओढ़नी समर्पित कर यमुना की लहरों को शांत कर दिया। नववधु को बिना बुलाए घर पधारी पाकर ससुराल वाले आश्चर्य में पड़ गए। बहन ने आदेश दिया कि उसके गृह प्रवेश के लिए घर के पिछवाड़े फूलों का दरवाजा बनवाया जाए। दरवाजा बना, ज्यों ही वह पार करने लगी, द्वार उस पर गिर पड़ा। फूलों का द्वार होने के कारण चोट ना आ पाई। घर में प्रवेश करके उसने सबसे पहले स्वयं खाने का हट किया। खाना खाने लगी तो उस खाने में सूचा काटा मिला, जिसको उसने एक डिबिया में सहज कर रख दिया। शाम को घूमने का समय आया तो सबसे पहले उसने ही जूता पहना। जूते में काला बिच्छू था, उसने वह भी उसी डिबिया में सहज कर रख दिया। रात हुई तो उसने फिर जिद की कि पहले मैं ही सोऊंगी। बहू का हर काम पहले करना यद्यपि किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर परिस्थिति बस सब हो रहा था। सोने के कमरे में उसे नाक मिला, उसने उसे भी मार कर सहज लिया, फिर पति को सैया पर सुलाया। इतना सब करने के पश्चात उसने अपनी सास को डिबिया खोलकर सूचा काटा, बिच्छू और सांप दिखाकर कहा, मैंने तुम्हें पुत्रवती किया है, अर्थात स्वयं कष्ट सहकर तुम्हारे पुत्र के जीवन की रक्षा करके अपने सुहाग को नया जीवन दिया है। ये सब कष्ट देवता के रुष्ट हो जाने के कारण उठाने पड़े हैं। भविष्य में कभी मनौती मानकर पूरा करना ना भूलना। इतना कहकर सात भाइयों की परम प्यारी बहन भाइयों के साथ पीहर लौट गई और सास ने देवी देवताओं का पूजन करके भाई बहन के प्रेम की प्रशंसा तथा उनके सुखी होने का आशीष दिया।